जिले के ग्राम सिंखेड़ी स्थित एक खेत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों ने खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के दो दूध मुहे बच्चे और दो महिलाएं घायल हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उपचाररत द्वारकी बाई ने बताया कि वह अपने खेत में कपास की सोटियां काठी उखाड़ रहे थे। इसी दौरान शनिवार दोपहर करीब 4 बजे खेत के पास लगे पेड़ से मधुमक्खियां उड़ने लगी। छत्ते के रूप में किए हमले के चलते संभल नहीं पाए। मधुमक्खियों के हमले से बहु राधिका बाई उम्र 23 और 2 साल का अमन रविंद्र और 5 साल का अनंत रविंद्र जख्मी हो गए। चिकित्सक के मुताबिक एक बच्चे की हालत गंभीर होने से उसे ICU में भर्ती किया, बाकी 3 की हालत ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आप लोग सूटी उखाड़ने गया था, बच्चे अपने साथ में ले गया तो वह मधुमक्खी उड़का है तो हमारा 4 नखे कटी। सुबह कौन कौन था आपके साथ? मेरी बहू होती और छोरा होता। एकदम से कैसे मक्खी आ गई? कई मालूम उड़ी का आई वो दो बच्चे और दो एक महिला और एक पुरुष, साथ में तीनों साथ में दो बच्चों को लेके आए थे और एक महिला को लेके आए। उनके द्वारा बताया गया कि खेत में मधुमक्खी उड़ने की वजह से किसी ने पत्थर वगैरह मारा तो मधुमक्खी उड़ने की वजह से मधुमक्खी काटना बताया गया। एक बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर है, उसको ICU में एडमिट किया है और बाकी को एक ओपीडिया वार्ड में रखा है, बाकी एक महिला हो गया हाथ में। कौन से गांव की घटना? सिंखेड़ी। क्या नाम था? डॉक्टर रविंद्र। हम कपास गेहूँ बोने के लिए कपास निकाल रहे थे, सूटे उखाड़ रहे थे हमारे, तो जैसे अब हमारे खेत आसपास तो लीम का झाड़ भी रहता है, बबूल का झाड़ भी रहता है, तो झाड़ के नीचे बच्चे बैठे थे, तो मेरी बहू है, मेरे दो बहू के दो बच्चे और मेरी भाभी, बड़ी भाभी, उनको जैसे पानी पीने के लिए नीचे बैठे थे तो ऊपर क्या पता कि मधुमक्खी बैठी वाली है तो वो उड़ी ना तो पूरे शरीर पर आ गई है। ये हुआ है, हम दो बच्चे और एक मेरी भाभी और एक मेरी बहू। क्या पता डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर साहब ने अभी मेरे को तो कुछ नहीं बताया, मैं अभी जस्ट आया हूँ, इलाज चालू है उनके तरफ से भी। क्या नाम तुम्हारा? खान सिंह बामनिया, सिंखेड़ी मिलीपुरा। बच्चों को मधुमक्खी काटने का बता रहे कि खेत में गए तो मधुमक्खी ने काटा था, शाम के लगभग 4 बजे घटना है ये। अभी बच्चों ने कहा है बच्चों का वाइटल स्टेबल है, कहीं कहीं पर जहाँ काटा है वहाँ थोड़ी स्वेलिंग है, तो अभी भर्ती करके ICU में और प्राथमिक उपचार कर रहे हैं अपन, बच्चा भी स्टेबल है। क्या नाम? मैं डॉक्टर सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।